हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पीपीएस नॉलेज में। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ एमजी केवीपी एग्ज़ाम 2021 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़। डेढ़ घंटे के पेपर में कैसे मिलेगा अंक, 50 पूर्णांक में अंक कैसे मिलेगा और 100 पूर्णांक में अंक कैसे मिलेगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इस चैनल पर यदि नए हों इस चैनल पर उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बिना स्किप किए वीडियो। पचास अंक का प्रश्न पत्र लघु उत्तरी प्रश्न 10 में से 5 करना है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न पत्र 4 में से 2 करना है। तो इस तरीके से रहा 50 अंकों का दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी है। 100 अंक का प्रश्न पत्र लघु उत्तरी प्रश्न पत्र 10 में से 5 करना है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न पत्र 4 में से 2 करना है। तो इस तरीके से रहा 100 अंक का प्रश्न पत्र लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी। अब जानेंगे कितने कितने नंबर्स के मार्क्स के हैं आपके 50 नंबर वाले क्वेश्चन और 100 नंबर वाले। 100 अंक का प्रश्न पत्र है दीर्घ उत्तरी 25 × 2, आपको 4 में से 2 करने थे, लघु उत्तरी जो थे 10 में से 5 करने थे, 10 नंबर के टोटल हो गए 50 नंबर के, और दीर्घ उत्तरी 25 × 2 50 नंबर के। तो ये हो गया आपका 100 अंक का प्रश्न पत्र। इसके बाद 50 अंक का प्रश्न पत्र दीर्घ उत्तरी, इसमें भी 4 में से 2 करने थे, 15 × 2, लघु उत्तरी प्रश्न पत्र 4 × 5, यानी कि आपको 10 में से 5 करने थे 4 नंबर के। तो इस तरीके से रहा 100 नंबर के मार्क्स और 50 नंबर के मार्क्स। अब जानेंगे 50 अंक का प्रश्न पत्र लघु उत्तरी है 4 × 5, यानी 20 नंबर का क्वेश्चन प्रश्न पत्र है। यदि आप क्वेश्चन पत्र को सेंटेंस और फर्स्ट लाइन्स एज पर क्वेश्चन, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था आपका पहला लाइन अगर उस क्वेश्चन के अनुसार रहेगा तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, और नहीं रहा तो आपको एवरेज मिल सकता है। 100 अंक का प्रश्न पत्र रहेगा लघु उत्तरी 10 × 5, 50 नंबर का है। सेंटेंस और फर्स्ट थ्री लाइन्स एज पर क्वेश्चन, आपके फर्स्ट थ्री लाइन्स को देखा जाएगा कि आप क्वेश्चन का जो आंसर दिए हैं आप किस तरीके से दिए हैं, और आपके पहले के जो थ्री लाइन्स हैं यदि अच्छे तरीके से लिखे होंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज एवरेज मार्क्स तो सभी स्टूडेंट्स को उसके अकॉर्डिंग्स मिलेंगे ही। तो इस तरीके से रहा लघु उत्तरी 50 नंबर का। अब 100 अंक का प्रश्न पत्र दीर्घ उत्तरी 25 × 2, 50 नंबर का है। तो इसमें सबसे पहला काम हेडिंग है, हेडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, हेडिंग लिखा होना चाहिए। दूसरा है क्वेश्चन आंसर फर्स्ट लाइन 4 लाइंस, तो आपको पहले के 4 लाइंस जो हैं क्वेश्चन के अच्छे तरीके से लिखना होना चाहिए। यदि आपको इस तरीके से रहा होगा तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, अदरवाइज आपको एवरेज मार्क्स मिलेगा। अभी 50 अंक का प्रश्न पत्र है दीर्घ उत्तरी 15 × 2, 30 नंबर का है, हेडिंग इसमें भी रहेगी लेकिन आपको क्वेश्चन आंसर फर्स्ट 2 लाइंस का देखा जाएगा। तो इस तरीके से रहा 100 अंक और 50 अंक का दीर्घ उत्तरी है। अब 100 अंक का प्रश्न पत्र और 50 अंक का प्रश्न पत्र इंग्लिश मैथ टाइप के इस तरीके से क्वेश्चन हैं जिसमें आपको टेंथ सेंटेंस देखने हैं, फार्मूले देखने हैं, उस तरफ के क्वेश्चन को आपके फार्मूले और सेंटेंस और आंसर के हिसाब से ही आपको उसमें नंबर्स मिलेंगे। एक्सेप्ट ये सब सब्जेक्ट को, बाकी सब्जेक्ट में आपकी हेडिंग्स और आपकी सेंटेंस को ही देखा जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसका मार्क्स मिलेगा और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको मार्क्स के साथ दिया जाएगा, जैसा मैंने बताया कि आपको किस तरीके से लिखा होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग रहेगा तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज एवरेज मार्क्स मिलेंगे सबको। अब प्रमोशन आपके पहले सेमेस्टर जो आप इसके पहले दिए होंगे उसके हिसाब से प्रमोशन के नंबर आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से रहा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।